बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है अचार गोश्त। अचार गोश्त आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। हम सबको तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलें अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। हमने 250 ग्राम चिकन ली है बोनलेस, आधी प्याली हमने दही ली है, हल्दी का 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, एंड नेशनल का अचार गोश मसाला हमने 1 टेबलस्पून लिया है। और इसमें दही डालेंगे और उसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये सारे ड्राई पाउडर डल जाएंगे इसमें। और हम लोग नेशनल के मसाले यूज़ करते हैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग किसके यूज़ करते हैं। अब देखें मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। देखें बोनलेस चिकन का तो बहुत ही मज़े का बनता है, आप हड्डी वाली चिकन का भी बना सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन जाएगा 1 टेबल स्पून। अब चलें हम टमाटर को कद्दूकस कर लेते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए। मैं तो कद्दूकस कर लेती हूँ, आप लोग ब्लेंडर कर सकते हैं तो ब्लेंडर कर लें। चलें कढ़ाई को हम चूल्हे पर रखते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, 1.5 बड़ा चम्मच जाएगा इसमें ऑयल। इसमें टमाटर की प्यूरी जाएगी, इसमें मैरिनेट किया सारा मसाला जाएगा। इसको इतना पकाएं ताकि इस टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें इसमें उबाल आ रहा है अच्छी तरीके से, देखें। चले हम हरी मिर्चें भर लेते हैं, इसको ढक देते हैं। हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और वही नेशनल का मसाला। अब इसमें लीमू का अर्क डालेंगे, ये देखें, और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये 2 लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह खा सकते हैं। आप लोग अगर ज़्यादा अफराद है तो ज़्यादा क्वांटिटी करिएगा इन सब चीज़ों की। ये देखें ये भुन चुका है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रोगन भी निकल चुका है इसमें से। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे हम। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। और प्लीज़ मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हरी मिर्चें गल गई हैं। अब आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें हरा धनिया जाएगा। इसका फाइनल लुक देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।